बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग आज इसलिए कि शायद आप शाम को ये व्लॉग देख रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग ये एक हम सुबह उठे हैं और आज का व्लॉग हमने बिल्कुल सुबह सुबह आगाज किया। इतनी प्यारी सी कंघी सुबह सुबह ही हो सकती है। हाँ, वो वैसे दबा, भी दबा के। ना नमाज वगैरह के बाद बंदा ना थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन अभी हमने नाश्ता नुश्ता कुछ नहीं किया, बच्चे भी अभी सोए पड़े हैं। आज हमारे तरफ हज है, तो सभी को हज मुबारक और खैर मुबारक, आपको भी। तो अच्छा, ये बच्चे भी सोए पड़े हैं, सोए नहीं पड़े, ये दूध पी रहे हैं। दूध शायद क्या पी रहे हो? दूध। हमने ना 2-3 दिनों से ना वॉक शुरू की हुई है, तो वॉक करने से ये हुआ है कि ना पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी हमने की भी थोड़ी सी थी, दूसरे दिन भी की, इतना फर्क नहीं। जो तीसरे दिन हमने किया ना, थोड़ा सा मैं ज़्यादा, मैंने कहा अब 2-3 दिनों में थोड़ी सी वॉक ज़्यादा करते हैं, उसका रिजल्ट ये निकला कि मेरे टांगे चढ़ी हुई हैं, टांगे दर्द कर रही हैं बड़ी, रात को भी बड़ा दर्द हुआ है। हाँ, मैं सेट हूँ, मैं आराम आराम से करती थी, ये ज्यादा ही जोशीले हो जाते थे। नहीं नहीं, मेरे में समझते थे हम पूरे हफ्ते की वॉक एक ही दफा कर ले। जी, तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखा दूँ, ये देखेंगे आज बादल हैं काफ़ी घने और जैसा कि लग रहा है कि शायद बारिश भी हो जाए, क्योंकि आज हज मुबारक भी है और मौसम भी ठंडा है। तुलसी को यहाँ और ज्यादा किया जा रहा है पानी डाल के, ये सारा दिन चले जो चल जाए। मजा आ जाता है वैसे। मैं नहीं पीती वैसे, ऐसे मैं नाश्ते के बाद पीती हूँ। जी, तो ये हमारी लाइफ छुरियाँ हैं, ये हर ईद पे बंदे तेज करते हैं, तो मैं भी ले जाता हूँ, उनको थोड़ा सा तेज कर लेते हैं, दो दो उठा के। जी, तो आलू वाले पराठे रेडी हो चुके हैं और अब मैं सबको बुलाती हूँ नाश्ते के लिए। तो यहाँ आप विंडो में से देख सकते हैं बाहर क्या हो रहा है, और ये मौसम भी आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त फैंटास्टिक मौसम है। तो जी, यहाँ पराठे उतार लेते हैं, और एक ये जो रोटी है ये खुश्क है, मतलब पराठा नहीं है, ये शहरी और जुरेस के लिए। ये देखिए जी, गर्मा गर्म आलू का पराठा, जिस चीज ने खाना है भाग आए, इधर आ जाए हमारे पास, तो पराठे खाएं, इंजॉय करें लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर में कमेंट करना ना भूलें। जी, तो जरूर शेयर करके, शेयरी क्या कहोगे, शेयर शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो। आप दूरों दूरों तक आप देख रहे हैं, मेरे कपड़े भी हिल रहे हैं, ये देखें, और हवा तो बहुत तेज चली हुई है, कि वो क्यों, हर जगह पे बहुत, हर आप लोगों की तरफ भी बारिश, अल्लाह के आप लोगों की तरफ भी, हमारी तरफ तो बहुत मस्त बात लगता है, ऐसे ही आंधी आएगी, वहाँ से आपको बादल नज़र आ रहे हैं दूर दूर दूरों तक, और आप लोगों की तरफ भी बारिश आनी चाहिए ज़रूर, और हवा भी आनी चाहिए। आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताना है कि आप लोगों की तरफ बारिश आई है या नहीं। जी, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि आज बारिश होने वाली थी, और शेरी यहाँ पे खेल रहे चुड़ियों के साथ, और दरवाजा बंद कर देता हूँ कि बारिश ना चली जाए। आप लोग बहुत कह रहे होंगे बारिश हमें क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाई, वो चीज मैं भूल गया था एंड करना, एंड मैंने कर दिया था। और यहाँ पे आप बारिश का मौसम देखें, ये हो रही है बारिश, मेरे कैमरे पे सारी बारिश आ रही है, आप लोग देखें, ये देखें,
देख लें, हम उधर जाते हैं उनके घर, फिर आप लोगों को जल्दी बारिश दिखाते हैं। लेट्स गो। अभी पोतियाँ काम चल रही, शोर आपको नजर आ होगा। हम अभी घर जाते हैं। हम आए यहाँ पे, एक होटल है छोटा सा, यहाँ पे छोटा सा होटल है, ऐसे हट में बना हुआ। तो ये हमारा शहजादा, ये मियाँ, ये मियाँ साहब हैं, अक्सर आप लोग जानते हैं इनको ना, ये हमारे मेरे दोस्त हैं, पड़ोसी भी हैं, मतलब काफी कुछ। ये इनका शहजादा है मियाँ वसी अब्बास है। वसी कैसे हो? ठीक है, बोलो बोलो। ठीक हो? यहाँ पे थोड़ा सा आज हज है तो हम निकले थे शॉपिंग के लिए। ये भी आए हुए थे, ये हाई कोर्ट में होते हैं ना लॉ, तो वहाँ से आए थे, मैंने कहा चल घूम फिर ले हम भी। मौसम तो मौसम आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दरिया चनाब है और ये मौसम है जी। ऑर्डर किया था ये वाला, ये के एक ये शौंदी मियां जी टिक्का कबाब, कबाब सीख कबाब है ये। और ये हमारे राइस हैं, मैं ज़रा ऐसे आप लोगों को दिखाऊं। ये हम पाकिस्तान में हैं ना के हम। और ये वाले राइस आप लोगों को जो नज़र आ रहे हैं 450 रुपए के, हम ज़रा खुद हक्का बक्का हैं। मियां जी सुना दो, ये तो लाहौर भी रेट नहीं आता ही हो जाए है? नहीं नहीं फिर भी यार चावल है, कोई सोने में चावल थोड़ी है। ये जी हम आप लोग फिर कहते हैं ना कि यार आप लोग जिस इलाके में रहते हैं, हम भाई यूरोप में रहते हैं, ये बेल्जियम समझे आप जी। तो मेरी मेहंदी लग चुकी है, बहुत ही हल्की हल्की सी, ज्यादा नहीं लगाई। कैसी है शेरी? अच्छी है। अच्छी है। हाँ, अच्छी जी, अच्छी। तो शेरी ने पास कर दिया मुझे जी। तो मैं घर आ चुका हूँ, शेरी के लिए दो टीटियाँ लेके आया हूँ। आज असल मैंने, मैं आपको बताऊँ, आपके यहाँ घर आ चुका हूँ, तो घर में से आया था कि मेरे ना दोस्त आए हुए थे ईद पे, मतलब छुट्टी पे, तो आज उनकी बारी थी। बड़े अरसे के बाद, मतलब पहले तो हमें फुर्सत वगैरह मिल जाती थी, तो आजकल फुर्सत ज़रा कम मिलती है, क्योंकि YouTube का काम ही ऐसा है जिस पे फुर्सत नाम की चीज़ नहीं है। इनके लिए भी खाने का बंदोबस्त किया, मुझे पता था कि इन्होंने कुछ नहीं करना घर में, रह के ये वे ले रहेंगे। तो इनके लिए दो बर्गर लेके आया मैं, दो। अच्छा ये ना एक एक बर्गर इसके लिए था, ये जिसमें मैंने प्याज वगैरह नहीं डलवाए थे, टमाटर नहीं था उसमें, ये इस तरह की चीज, मतलब सलाद नहीं था, इसमें सलाद है। तो ये है सलाद, वो थोड़ा सा ऐसे बस यही डलवा दिया आपने। हाँ चलो खा ले। तो ये दो शवारमे लिए थे, एक शवारमा मुझे दो, बर्गर है ये तो खा पहले। आप मेरे पुत्र खा लो ना, आपने चिप्स खाई, आपने बोतल पी, आपने चावल की खाए, पता नहीं क्या क्या खाया। सारे पूछेंगे कि भी आप दोस्तों के साथ गए थे और लेके आए हो, खा के नहीं आए? हाँ मैं आप लोग बताऊ, मैं खा के भी आया हूँ। मगरिब के बाद का टाइम है और जी मैंने मेहंदी भी लगा ली, एक हाथ आपके लिए खाली छोड़ दिया। अच्छा इसको मैंने लगाना है? हाँ जी। ये चांद है जी, ये चांद है, ये चांद रात, आज बादल हैं। और मैं कहती हूँ चांद रात होती है, ये तसव्वुर कहते हैं चांद रात नहीं होती, नहीं होती ईद की। तो आप लोगों ने बताना है कि ईद की सभी के लिए बना दे के सभी बताए। ये ना असल मैंने आप लोगों से सर ये कंफर्म करना चाह रही चांद रात है या नहीं है। हाँ भी मैं चांद रात कह रही हूँ भाई, हर ईद की चांद रात होती है जिसपे मेहंदी लगाते हैं, वो होती है रमजान वाली चांद रात होती है। अच्छा चलो, और चांद भी है, चांद तो है ना, बड़ा सर है। अच्छा जी, तो आप सबको हज मुबारक और आने वाली ईद मुबारक एडवांस। हाँ हाँ, और नहीं हमारे कुछ ऐसे हैं देखने वाले जिनको जिनकी आज ईद थी। हाँ जी, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी ईद मुबारक। हाँ पक्की पक्की ईद मुबारक। तो इंशाल्लाह कल हमारी तरफ ईद होगी तो फिर हम स्पेशली एक व्लॉग बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद ना हम व्लॉग अपलोड कर दें और आप लोगों से ईद की जो मुबारकबाद दी है वो जल्दी जल्दी दे दें। हमने एक्सरसाइज नहीं करनी, थक गए थे? नहीं थक नहीं गए थे, आज हमने ईद रात की छुट्टी मनानी है। हाँ ये तो इसी के साथ हम इजाजत देते हैं, लेट नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।